कुशवाहा भवन में चल रहे 29वें बनारस पुस्तक मेला के तीसरे दिन भोजन में पोषण कैसे बढ़ाएं विषय पर व्याख्यान देते हुए मनोवैज्ञानिक एवं जीवन शैली विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि केवल पौष्टिक भोजन खा लेना ही पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है, शरीर को उसे पचाने की भी सही क्षमता होनी चाहिए। शरीर को पचे भोजन से पोषण को ग्रहण करने की सही क्षमता होना आवश्यक है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। मैं निकेश कुमार कुशवाहा, मेरा नाम मोतीलाल मानव खान समिति का मैं प्रबंधक हूँ। ये बनारस पुस्तक 29वां बनारस पुस्तक मेला का प्रोग्राम है, आज तीसरा दिन है और ये भोजन में पोषक तत्व तो कैसे बढ़ाएं इस पर जो है चर्चा हो रही है, चल रहा है। इस तरह का प्रोग्राम करने के पीछे आप लोगों का क्या उद्देश्य था, क्या मतलब? इस तरह का प्रोग्राम करने का उद्देश्य था जागरूकता फैलाना, और हमारी संस्था का जो उद्देश्य है वो एजुकेशनल, लीगल और मेडिकल और ट्रेनिंग, चार क्षेत्र हमने चले, उसी पर आधारित इतने प्रोग्राम बनाए गए हैं। तो एजुकेशनल में बुक के जरिए हम लोगों की समस्या प्रधान किताबों को रखते हैं या जरूरत के मुताबिक उनका समाधान निकल सके, जैसे रोजगार पर एक चीज है या अन्य कोई ऐसी चीज है, स्वास्थ्य की किताबें हैं, धार्मिक हैं, कम्पिटिटिव हैं, ये सब किताबें रखते हैं, कहानी है, ताकि इंटरेस्ट की चीज लोगों को मिले। और इसके बाद भी इंटरनेट के युग में फिर भी इसकी जो महत्व को थोड़ा सा बनाए रखना है, जो गैपिंग हो रही है उस गैपिंग को फिलिंग करने की जरूरत। पहले मैं श्रेष्ठ रचनाकारक की कृतियों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया था, अब ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी थोड़ा सा मोबाइल के तरफ के जाने से उनमें ये प्रोग्राम करने से एक माहौल बनेगा ऐसा पढ़ने का, परिवार में कुछ किताबें जाएंगे, कुछ उनके इंटरेस्ट की चीजें जाएंगी, कुछ सेमिनार के जरिए, कुछ किताबों के जरिए, ये मेरा उद्देश्य है। तो हमने लीगल, मेडिकल और एजुकेशनल और रोजगार पर चीजों को ही समाहित किया हुआ है। आज देखा जा रहा है कि पुस्तकालय तो है, पुस्तकें भी हैं, लेकिन पढ़ने वाला भी है। हाँ, तो इसका इंटरेस्ट पैदा धीरे धीरे कम हो रहा है, इसके पीछे वो मोबाइल है। इसके समाधान के लिए जैसे आज आपने जी स्कूल लेकर आप गरीब मॉडल का कोई चौपाल भी लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारी दुनिया हो गई। बिल्कुल हो चुकी है दुनिया। हम लोग ऐसा कदम तो उठाते रहते हैं, बशर्ते कि ये अभी पर्याप्त नहीं है, ये सिर्फ हमारे से ही नहीं होगा, और भी जो बहुत से संस्थाएं उनको भी लगाना पड़ेगा। और हम आपको बता दें कि ज्यादातर हम अपने वकालत पेशे में एजुकेशनल संस्थाओं का ही मैं देखता हूँ, उन लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने यहाँ प्रोग्राम करिए तो थोड़ा सा इसके बारे में जागरूक करिए। अभी हम गौतम बुद्ध बालिका विद्या संस्थान में भी हम प्रोग्राम किए हुए थे, तो वहाँ ऐसा हमको महसूस हुआ कि अच्छी किताबें अवेलेबल न होने के कारण जो है उन लोगों को पता ही नहीं कि इस टाइटल की भी किताबें आती है। घूंघट में महिलाएं किताब देख रही थी, हमको ऐसा लगा कि इतनी जागरूकता है। हमारा जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट बना हुआ है जिनका काम है पूरा किताबों को पूरी तरह से फैलाना, लेकिन वो अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं है। सफल तभी होंगे जब छोटे छोटे जगहों पर उन्होंने प्रयास भी किया, लगाया भी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि और भी प्रयास करने की जरूरत है ताकि उससे लोग जुड़ सके।